हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। तो डियर आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वोकैब का फर्स्ट पार्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। डियर काफी डिटेल में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, मीनिंग को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे जिससे वो हमें परमानेंटली याद हो जाए। डियर आज है संडे और आज हम आपके लिए लेकर आते हैं डियर लाइव सेशन ऑन अन अकेडमी मैराथन क्लास। तो डियर अगर आप हमारी क्लासेस बाय द वे किसी भी तरीके से मिस कर गए तो डियर आज की क्लास आप मिस ना करें, क्योंकि आज पूरे वीक का एक निचोड़, जो भी हम पूरी वीक में पढ़ते हैं डियर, आज उसका रिवीजन और मॉक टेस्ट बिल्कुल सुपर फास्ट स्पीड में, जहां पे आपके पास एक अच्छा खासा क्वेश्चन होता है, पूरे वीक का एक कलेक्शन होता है कि आपको किस किस तरीके के क्वेश्चन हमने पूरे वीक में करवाए हैं। डियर अगर आपको एमटीएस का पेपर देना है, अभी आने वाले डेट में आपका पेपर होगा, तो डियर बिल्कुल क्लास मिस ना करें, क्योंकि सुबह की जो 8 से 10 बजे की 2 घंटे की क्लास होगी डियर, यहां पर हम एमटीएस के ही क्वेश्चंस करने वाले हैं और डियर बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं आज होगा, बट आज आपको मिलेगा डियर नंबर ऑफ क्वेश्चंस और काफी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो डियर आप हमारी लाइव सेशन से जुड़िए, मुझे बेहद खुशी होगी कि आपकी जर्नी में मैं कुछ योगदान कर पाया। डियर क्लासेस से जुड़ने के लिए आपको सबसे पहला काम तो लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, अन अकेडमी का लर्निंग ऐप अपने फोन में इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद डियर अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से उसे रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के बाद डियर आपसे फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए एक कोड मांगेगा, वो कोड आप यूज करेंगे रंजन 2021। डियर हमारे सभी क्लासेस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से आप डायरेक्टली हमें या हमारे लाइव क्लासेस को आप देख सकते हैं। तो जाइए डियर, देर किस बात की है, जल्दी से जुड़ जाइए अन अकेडमी से। तो डियर आज शुरू कर लेते हैं। डियर ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम अपनी समस्या को शेयर कर सकते हैं, हमसे बातें कर सकते हैं। डियर फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, ट्विटर पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, और अगर आप टेलीग्राम पे चाहते हैं डियर तो हमसे आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। डियर सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, सबसे पहला जो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया, एक तो हम इसकी प्रोनंसिएशन कुछ भी कर लीजिए डियर, हमें पेपर की तैयारी करनी है। अगर मैं बात करूं एसएससी एस्पिरेंट्स की तो डियर यहां पर मैटर नहीं करता, लेकिन ये कभी स्पेलिंग चेक में आ जाएगा डियर तो गलत हो जाएगा। अगर आप इसकी स्पेलिंग सही करेंगे, इट मींस इसका इसको आप प्रोनाउंस सही से करेंगे तो इसकी स्पेलिंग भी सही होगी। इट इज कॉल्ड एक्रोफोबिया, ऐसा नहीं एक्रोफोबिया, ऐसा नहीं है डियर, इट इज एक्रोफोबिया एंड इट इज एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ हाइट्स। इट मीन्स आपको ऊंचाई से डर लगता है, दैट इज कॉल्ड एक्रोफोबिया। नंबर दो है डियर हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मीन्स, हाइड्रो मीन्स वी नो वॉटर, तो हमें रूट वर्ड और प्रीफिक्स सफिक्स यहां पर भी हेल्प कर देते हैं डियर। हाइड्रोफोबिया यानी कि हाइड्रोफोबिया, बिल्कुल ऐसे नहीं बोलना, हाइड्रोफोबिया, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया, एक्सट्रीम फियर ऑफ वॉटर। हम इसको अपने सेंटेंसेस अपने डेली लाइफ में भी यूज करते हैं कि सर मुझे ना हाइड्रोफोबिया है, इट मींस मैं पानी से डर लगता, लाइक नदी के पास नहीं जा पाते हम, या झील के पास नहीं जा पाते, या थोड़ा सा भी ज्यादा पानी हो तो हमें डर लगता है। नेक्स्ट वन इज बाथफोबिया। बाथफोबिया, बाथफोबिया मीन्स होता है डियर एक्सट्रीम फियर ऑफ डेप्थ। ये डियर कुछ भी हो सकता है, वॉटर के अंदर डेप्थ से आपको डर लगता है, या ऊंचाई से नीचे आने में आपको डर लगता है, मतलब थोड़ा सा इसमें मीनिंग हाइट्स वाला भी है, ठीक है, कि हाइट्स ऊपर से नीचे आने या पानी के नीचे जाने, इसको हम कहते हैं बाथोफोबिया। अब लिखा हमने बाथोफोबिया, तो ऐसे नहीं कहा बाथोफोबिया उसे पढ़ेंगे, बाथोफोबिया एक्सट्रीम फियर ऑफ डेप्थ्स, और वो डेप्थ्स दोनों चीज हो सकता है, वाटर के अंदर का डेप्थ हो सकता है या ऐसे ही नीचे जाने का हो सकता है। नेक्स्ट वन इज डियर अल्टोफोबिया। अल्टोफोबिया एन इरेशनल फियर ऑफ बाथिंग और वॉशिंग। देखो यहां पर ना बाथ था, तो कहीं ये दिमाग मत लगाना, इसलिए मैंने दोनों को साथ साथ लिखा है,
कि ऐसा ना हो कि बाथ फोबिया में आप ये चले जाएंगे, सर बाथ तो उसमें था तो वो नहाने का डर होगा, चलिए बाथ नहीं होगा, वो आपके डेप्थ्स के डर को कहते हैं, ठीक है। और एब्टोफोबिया का मतलब होता है एक्सट्रीम फियर ऑफ बाथिंग और वॉशिंग, जहां पे आप नहाने या साफ करने से डरते हैं, होते हैं कुछ लोग एक एक महीने रह जाते हैं इसे। नेक्स्ट वन इज साइनोफोबिया। साइनोफोबिया मीन्स होता है एन एक्सट्रीम फियर ऑफ डॉग्स, जहां पे आपको डॉग्स से डर लगता है, दैट इज कॉल्ड साइनोफोबिया। नेक्स्ट वन इज क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन नैरो और इनक्लोज्ड स्पेस, जहां पे आपको छोटे जैसे किसी को लिफ्ट के अंदर डर लगता है। लिफ्ट क्या होता है, बिल्कुल इनक्लोज्ड होता है, थोड़ा सा जगह होता है, दैट इज कॉल्ड क्लॉस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट वन इज ज़ेनोफोबिया, अ फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज। अंग्रेज को देखा उसको डर लगा, किसी दूसरे देश के लोग या उसके थोड़े अपने से थोड़े से अलग लोग देखे उसको डर लगा, दैट इज कॉल्ड ज़ेनोफोबिया। नेक्स्ट वन इज डियर पायरोफोबिया। पायर आप लोगों को पता होगा चीता होता है डियर, चीता वो वाला नहीं, लायन टाइगर वाला नहीं, डियर जो आग वाली होती है, ठीक है, जो आग वाली होती है कुछ इस तरीके से। एक्चुअली मेरी ग्राफिक्स अच्छी नहीं है डियर। तो फियर ऑफ फायर, तो इसको याद रख सकते हैं, PYRE होता है जिसका मतलब होता है जिसपे लाइक डेड बॉडी को हम लिटाते हैं, ठीक है, फायर। पायरोफोबिया मीन्स अ फियर ऑफ फायर। नेक्स्ट वन इज दैट माइथोफोबिया। माइथोफोबिया फियर ऑफ टेलिंग लाइज, एंड लेट मी स्विच ऑफ द वीडियोज। चलिए, माइथोफोबिया फियर ऑफ टेलिंग लाइज और मिथ्स और फॉल्स स्टेटमेंट, इट मीन्स उसे डर लगता है झूठ बोलने से या फॉल्स स्टेटमेंट से। कह सकते हैं हम कि अगर आपको झूठ बोलने सॉरी डियर झूठ बोलने से आपको डर लगता है, इट मीन्स यू हैव माइथोफोबिया। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग बड़ा बेफिक्री से झूठ बोल लेते हैं डियर, और कुछ लोग को डर लगता है कि यार झूठ बोलेंगे तो कहीं पकड़े ना जाए। नेक्स्ट वन इज डियर ग्लासोफोबिया। ग्लासोफोबिया अ स्ट्रॉन्ग फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। लोग इसके लिए पता नहीं कितनी कितनी क्लासेस डियर करते हैं, बहुत सारी क्लासेस करते हैं, लाइक कोचिंग सेंटर जाते हैं, इवन अपने स्पेशल ट्यूटर रखते हैं कि जहां पे हम पब्लिक स्पीकिंग सीख लें, और उसी के डर को डियर कहते हैं ग्लासोफोबिया। नेक्स्ट डियर एक्वाफोबिया। अब एक्वा का मतलब तो आपको पता होगा वॉटर, ठीक है। एक्वाफोबिया एन इरेशनल और डिसप्रोपोर्शनेट फियर ऑफ वॉटर एक्सेप्ट स्पेशली एंजाइटी इन डीप वॉटर और व्हेन सबमर्जिंग वंस फेस इन वॉटर। इट मीन्स जब आपको पानी में नीचे सर करने से डर लगता है, नहीं आप पानी में चले जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, उससे डर नहीं लगता है। एक्वाफोबिया का मतलब है कि जब आपका सर पानी के अंदर जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्वाफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया इज अनदर थिंग एंड एक्वाफोबिया इज अनदर थिंग। एक्वेटिक आप लोगों ने पढ़ा हुआ, एक्वेटिक एनिमल तो रिलेटेड टू वॉटर है, तो ये भी रिलेटेड टू वॉटर है, और यहां पर डर तब होता है जब हमारा सर अंदर जाता है। नेक्स्ट वन इज डियर बोटनोफोबिया या बोटनोफोबिया अ फियर ऑफ प्लांट्स। अब बोटनो से आपको पता होगा, बोटनी आपने पढ़ा होगा, तो रिलेटेड टू प्लांट्स, तो ये फियर है, क्योंकि फोबिया हो गया तो और टाइप ऑफ फियर, तो ये प्लांट से जो डर लगता है आपको, पौधों से डर लगता है, दैट इज कॉल्ड बोटनोफोबिया। और इसकी प्रोनाउंसिएशन बताता हूँ, बड़ा ही लाइक डेंजरस सा प्रोनाउंसिएशन लोग करते हैं, इसको प्रोनाउंस करते हैं एगोराफोबिया। एगोराफोबिया एट इज दिस इज नॉट एगोराफोबिया, दिस इज एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया अ फियर ऑफ बीइंग इन पब्लिक प्लेसेस। अ फियर ऑफ बीइंग इन पब्लिक प्लेसेस, दैट इज व्हाई डियर मैंने सभी के प्रोनाउंसिएशन लिखे। कोशिश करिए कि जहां तक संभव हो आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सिखाया जाए, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं हूं बिहार से डियर, और आपको पता है आगे तो बोलने की कोई जरूरत है नहीं आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट डियर एयरफोबिया। अब एयर है डियर, यहाँ पर एरो है, एयरफोबिया इसका मतलब हो डियर फ्रेश एयर से, मतलब वो जब बाहर जाते हैं ना घर में उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर जब हवाएं चलती है जो फ्रेश एयर होते उनसे उसको डर लगता है। नेक्स्ट वन इज डियर ऑटोफोबिया। ऑटोफोबिया अ फियर ऑफ बीइंग अलोन एंड लोनली। ऑटो मीन्स अपने आप होता है ना, अकेला, अलोन, अपने आप काम कर जाता है, तो यहां से ट्रिक लगा करके आप डियर याद कर सकते हो कि ऑटोफोबिया
इट मीन्स ऑचो का मतलब अलोन कर लेंगे, अलोन से जो मतलब अकेले जब आप रहते हैं उसमें जो डर लगता है। नेक्स्ट डियर एल्गोफोबिया, एल्गोफोबिया अ फोबिया ऑफ पेन, जिनको डर लगता है दर्द से, इंजेक्शन लेने जा रहे हैं ना, वो इंजेक्शन लेने जाते हैं इंजेक्शन से भी उसको डर लगता है, उसको कहते हैं एल्गोफोबिया। नेक्स्ट डियर अल्ट्रोफोबिया एंड अबनॉर्मल फियर ऑफ हाइट्स, सिंपल अल्ट्रोफोबिया, सिंपल फियर ऑफ हाइट्स मतलब कि लाइक ऊंचाई पर जाता तो उसको डर लगता है, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट डियर बिब्लियोफोबिया, बिब्लियोफाइल आप लोगों ने जरूर वर्ड सुना होगा, बिब्लियोफोबिया फियर और हेट्रेड ऑफ बुक्स, उसको ना किताबों से नफरत है, लाइक बुक्स वगैरह से उसको नफरत है, दैट इज कॉल्ड बिब्लियोफोबिया। नेक्स्ट वन डियर कैकोफोबिया, फियर ऑफ अगलीनेस एंड थिंग्स दैट आर अगली, इट मीन्स कोई चीज जो कि गंदी है अगली है उससे उसको नफरत होता है, बिल्कुल उसको हर चीज साफ सुथरा चाहिए, दैट इज कॉल्ड कैकोफोबिया। नेक्स्ट वन इज सेंट्रोफोबिया, सेंट्रोफोबिया, अब देखिएगा इसमें सेंटर है तो सेंटर का मतलब बिल्कुल केंद्र में, बिल्कुल बिंदु में, तो जिसको केंद्र में रहने से डर है, सेंटर में रहने से डर है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कोई कहीं पार्टी में जाता हो बिल्कुल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहता है, लेकिन किसी को ये चीजें पसंद नहीं है या उसको डर लगता है कि लोग क्या पूछेंगे क्या कहेंगे, तो इससे वो डर लगता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रोफोबिया। नेक्स्ट वन इज देयर क्रोनोफोबिया, क्रोनोफोबिया मींस फियर ऑफ टाइम और पासिंग टाइम, उसको समय, वो जब घड़ी देखता है ना तो उसको डर लगता है कि यार समय ना बड़ा जल्दी चल रहा है या समय धीरे धीरे चल रहा है, उसको किसी भी तरीके से पासिंग टाइम या टाइम से उसको डर लगता है, दैट इज कॉल्ड क्रोनोफोबिया। नेक्स्ट वन इज देयर डिस्कोफोबिया एंड अबनॉर्मल एंड परसिस्टेंट फियर ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहल, जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे डियर, मतलब पीने से डर लगता है, ठीक है, उसको डर लगता है कि अगर पिएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, जो लोग पीते हैं और जो लोग नहीं पीते हैं ये अच्छे से इसको क्लेरिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज देयर गैमोफोबिया, आई होप ये ज्यादातर लोगों को नहीं होता होगा, गैमोफोबिया फियर ऑफ गेटिंग मैरिड और बीइंग इन अ रिलेशनशिप और कमिटमेंट, इट मीन्स शादी से उसको डर लगता है, उसको रिलेशनशिप से डर लगता है या उसको कमिटमेंट से डर लगता है, दैट इज कॉल्ड गैमोफोबिया। नेक्स्ट वन इज देयर ज़ेरोफोबिया, फियर ऑफ ओल्ड एज, यार ये सबको डर लगता है मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, बट वो एक फैक्ट है, वो आना है, ठीक है, तो ज़ेरोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ ओल्ड एज, जिसको बुढ़ापे से डर लगता हो या बूढ़े एज से डर लगता हो, दैट इज कॉल्ड ज़ेरोफोबिया। नेक्स्ट वन इज डियर GNOSIOPHOBIA, नॉसिफोबिया, जेनोसिफोबिया मत कर दीजिए इसको, ठीक है, नॉसिफोबिया फियर ऑफ नॉलेज, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये बड़ा ही डरा सामी सी लड़की है जो किताबों से डरती है, इट मीन्स उसको किताबों से नहीं कह सकते, अब नॉलेज से डर लगता है, मतलब कोई चीज नहीं जानना हो या नहीं जानना हो उससे डर लगना, दैट इज कॉल्ड नॉसिफोबिया। आई होप डियर ये फर्स्ट टाइम था कि मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर आया, एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड द क्लास, तो अगर पसंद आए डियर तो वीडियो को आगे शेयर करते रहे, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन से फोबिया आज था जो आज आपने पहली बार देखा, कौन सा फोबिया ऐसा था जो आज आपने पहली बार सीखा पहली बार पढ़ा। तो चलिए डियर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद जय भारत।